लोकसभा चुनाव के लिए रालोद और सपा में गठबंधन तो घोषित हो गया है, लेकिन टिकटों की सुबगुबाहट से ही रालोद के नेता और कार्यकर्ता बेहद एक्शन में है। पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने शामली के गढ़ी पुख्ता में जो मीटिंग बुलाई थी वो इसी मुद्दे पर थी, क्योंकि चर्चा है कि कैराना से इकरा हसन रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है। दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि मुजफ्फरनगर सीट पर सपा नेता हरेंद्र मलिक उम्मीदवार हो सकते हैं। खैर सुनिए, अमीर आलम खान की मीटिंग में रालोद के युवा नेता प्रभात मलिक और मोहित खाटियान ने क्या प्रमुख बातें कही। सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को राम राम, नमस्ते, सलाम। लोक दल को धर्मशाला बनाकर रख दिया आप सबके सामने की बात है। लोक दल इतनी कमजोर नहीं है कि उसे चुनाव लड़ने के लिए किसी दूसरी पार्टी का उम्मीदवार गोद लेना पड़े, एडॉप्ट करना पड़े। और अगर ये ही सिलसिला रहा कि सिंबल हमारा और उम्मीदवार किसी और का, तो कोई भी नेता लोकदल ज्वाइन क्यों करेगा। इस चीज पे आप सभी जो है समाज के और लोकदल के जिम्मेदार लोग हो। पार्टी ऐसे नहीं बढ़ती। ये बात एक छोटा सा अगर मेरे जैसा कार्यकर्ता समझ रहा, तो आप लोग समाज के बुद्धिजीवी हो, ये बात आप भी समझो कि अगर बार बार दूसरी ही पार्टी से उम्मीदवार गोद लेते रहोगे, तो कोई भी नेता लोकदल ज्वाइन क्यों करे। भाई जहां से उन्हें टिकट मिला लोकदल का सिंबल तो उन्हें मिल ही जाएगा, तो जहां से उन्हें जो है टिकट मिला सिंबल मिला वहीं से ही भेजे, वही पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इस चीज को आप सबको रोकना पड़ेगा। उपचुनाव से ये कहानी शुरू हुई थी। उपचुनाव में कुछ मजबूरी थी, हम उस मजबूती में नहीं थे। फिर यही सिलसिला जो है विधानसभा के चुनाव में भी जाएगा, और अब लोकसभा में भी वही उन्होंने अब जो है अपनी से एक कहानी बना ली कि अब सिंबल लोकदल का और कैंडिडेट हमारा। तो कैराना पे अगर वो तो देखो सीट किस पर जाएगी, चौधरी साहब का फैसला है, अखिलेश यादव का फैसला है। अगर समाजवादी पे सीट जाओ हमें कोई आपत्ति नहीं है, समाजवादी के सिंबल पर लेता उलगा हो, सिंबल ही समाजवादी को सब साथ देंगे। अगर लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ागा, तो राष्ट्रीय लोकदल का ही कार्यकर्ता और नेता लड़ागा। और अगर ये अब की बात दूसरी पार्टी से किसी भी उम्मीदवार को गोद लिए गया या एडॉप्ट करे गए, तो उसका सामाजिक बहिष्कार करे जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के सदस्य है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी किसी को मौका मिलेगा ही नहीं। और इस बात को बस भाषण सुनो के और ये जाकर उठ कर जाइयो, इस बात पे अमल कर जाइयो। लोकदल आपसे है, आप लोकदल हो। आप अगर अपने घर में भी बैठ के कुछ बात करो ना, वो बात भी नेता तक चली जा, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने चौराहों पर बैठ के ओके पर बैठ के कुछ बात करोगे, तो वह बात भी दिल्ली जा। अब जिम्मेदारी आप सबकी है, लोकदल को बचाने की जिम्मेदारी है। आज जो पंचायत यहां हो रही है, लोकदल को बचाने की पंचायत हो रही। लोकदल के सिंबल पर लोकदल का नेता ही चुनाव लड़े, वो टिकट किसे लड़े चौधरी साहब का फैसला है। वो नवाजिद भाई का हो या किसी और को, लेकिन लोकदल के सिंबल पर लोकदल का नेता लड़ा, ये हमारी मांग है। और अगर समाजवादी की पहले सीट जा रही, तो अपने सिंबल पर लड़ो। बस दो बात है, तीसरी कोई बात इसमें है नहीं। अच्छा राम राम जी। आज के इस बहुत ही खूबसूरत मीटिंग में उपस्थित पूर्व सांसद अमीर आलम जी, पूर्व विधायक नवाजी सालम जी, ऋषिराज जडी सनोज चौधरी जी, थाना भवन से विधायक असरफ अली खान जी, भाई विकास मलिक, जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ चौधरी इकबाल सिंह जी मेरे साथ आए बरला जट से, संजीव प्रधान जी और भाई सचिन खोड़समा, और भाई सबके नाम लेके इतना दम उठ के चल जाओगे, और सभी सम्मानित मौजी हजरात, नौजवान साथी, किसान सरदारों। भाई देखो, भाई मोहित ने तो सारी बात का तोड़ कर ही दिया बिल्कुल। अरे बात सतर्कता भी है इसमें भाई, इसमें बिल्कुल सच है बात। भाई जो कोई हमारी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, इसमें हम मेहनत कर रहे,
तो भाई टिकट भी माने होना चाह बदायनों का तो चुनाव लड़े नहीं जाते। और मां तो मारी कहते मैं बेटी का नाम चांदनी टिकट ही सब मांगा लग रहे मैं देखा लग रहा अभी रस्ते में तो आया मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहूंगा। टिकट ही मांग रहे सब जो हमारी पार्टी में नहीं हमने आज तक नहीं देखा। मैं अपने बाबा जी से पूछ लिया हम किसी से पूछ लिया आपने देखा है वो कहले नहीं देखा नहीं वो भी टिकट मांग रहा घर में कार्ड धरने की जगह नहीं वो भी नुकसान मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का। ये बेकार की बात है हम तो हर चीज पैसा नहीं होता आपसी भाईचारा भी हो। मैं थोड़ा समय लूंगा बताऊं आपको हमारे एक थोड़ा सा काम फंस गया था भाई फौजी भी मेरी साथ था विकास भी बुरा हमने समय था रात के 12:16 का समय था अब तक याद है क्योंकि जब यह पता लगा जब सिर पर फावड़ा कर जा अच्छा अच्छा याद आ जाओ हमने विधायक जी को फोन करा नवाजी सालम जी को भाई पहले तो फोन उठा नहीं चलो रात का टाइम था 5 मिनट बाद में विधायक जी का फोन आया और तुरंत मौके पर पहुंचे मैं ऐसा सांसद चाह और फोन करूं जा कह लगे भाई कहां है कह लगे जी अभी तो फला उसमें है खाने में अब कहां है कह ले फला खाने में भाई ऐसा नहीं चाहता मैं सांसद बिल्कुल टाल है फोन कर लो कह ले कहां पिए साहब फोन उठावेंगे इनमें आना वहां लगा एमपी साहब ने भी आ लो कोई पिए नहीं रखा पता ही नहीं ना पिए के हो जब खुला संवाद किसानों का हो मजदूरों से हो आपसी अपने भाई लोगों से हो पिए रखने की जरूरत है फोन करेगा कह लगे जी बात करवा दो एक बार कह लगे जी लखनऊ जा रहे बिना विधायक बोलू लखनऊ चले जाओ। एक और मैं बताऊ एमपी साहब ने वीडियो देखी हमने कल की एमपी साहब ने साफ कहा भाई मन्ना नवाजिश को अग्र कर दे मैं चुनाव मैंने आने कब जा बापू एमपी बेटा एमपी फला चेयरमैन फला सभासद फला ग्राम प्रधान तुमने ठेका दे रखा है सारे चुनाव का भाई खुला है जुकर भाई मोहित ने कहा भाई सीट मान लो राष्ट्रीय लोकदल पर जाके भाई दावेदार भी राष्ट्रीय लोकदल से होगा नवाजी सालम हो या मोहित हो या कोई भी हो दावेदार कोई हो टिकट किसे मिला अगर जिस पार्टी पे सीट जागी उसका ही दावेदार होना चाह और उसे ही चुनाव में लड़ना चाह गए। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा एमपी साहब ने हमारे गांव में एक बहुत बड़ी चीज दे रखी और भाई हमें भी पता हमारे फादर साहब की चुनाव में एमपी साहब के डिश सड़क गिरी ट्रैक्टर पलट के था पुटराटा और एमपी साहब भी बताओ एमपी साहब तो हो गए भाई पहले तो हमारे बाबा जी बताओ बड़े नाजुक से थे भाई गहू लेकर चलो कोई गहू लेकर चले कहीं चलो एमपी साहब ने भाई कह दें कह लगे एक बिरादरी का होकर मारे दलित समाज की चुपाट है उस चुपाट को दोबारा बनवाने का और उस टाइम पर समर से लगवाने का काम अमीर आलम खान साहब ने करा और वो आज लो एमपी साहब थाना समर से भी चल रहा और हम तो निवेदन करेंगे आप टिकट तो लो थाना समर से भी बिल्कुल चलवा देंगे हमारी खाप मल्लिक लगा कठवाला पूरी खाप के हम जुम्मेदारी लेने गए लेकिन अगर नवाजी सालम को करना टिकट मिल जा दिल्ली पार्लियामेंट में हर एक आदमी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद।